ठीक है इस आज हम साइन ए प्लस बी के बारे में समझेंगे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जैसे कि हम जानते हैं होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आज उसका डेरिवेशन देखते हैं, होपफुली आपको समझ में आएगा और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और जैसे जैसे ये फॉर्मूला समझ में आता है वैसे वैसे इसके साथ होने वाली वो हरकतें, जैसे साइन टू ए कैसे बना, साइन थ्री ए कैसे बना, ये सारी चीजें समझ में आती हैं। आइए देखते हैं, लेट्स फोकस ऑन द कंसेप्ट साइन ए प्लस बी। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ए डिग्री के हिसाब से, तो ये हो गया हमारा जैसे पी क्यू आर। अब ए डिग्री पे हमने एक ट्रायंगल बना दिया, अब हम बी डिग्री पे बनाएंगे, बी डिग्री के इस पे बेस लेके बनाते हैं और बी डिग्री के लिए राइट एंगल ट्रायंगल यहां से बनाते हैं। बी डिग्री के लिए राइट एंगल ट्रायंगल यहां से बनाते हैं, तो पी क्यू आर एस। अब ए प्लस बी डिग्री के लिए राइट एंगल ट्रायंगल यहां से आएगा, यहां पे 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री। अगर मैं यहां से पहला लाइन ड्रॉ करता हूं तो यहां पे 90 डिग्री, ये ए है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये हुआ, ये 90 माइनस ए हुआ, 90 90 माइनस ए ये ए हो जाएगा क्योंकि 90 माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट्री ए होता है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो साइन ए प्लस बी परपेंडिकुलर एस टी अपॉन एस आर है। एस टी को हम यहां पे एस टी को टी यू प्लस यूएस लिख सकते हैं, टी यू प्लस यूएस अपॉन एस आर। जो एम है वो एम ये है कि हम ए प्लस बी को इंडिविजुअली ए के हिसाब से देखें और इंडिविजुअली बी के हिसाब से देखें। टी यू किसी भी एक ट्राइंगल की साइड नहीं है लेकिन एग्जैक्टली सेम नंबर पी क्यू है, तो अगर मैं पी क्यू प्लस यू एस अपॉन एस आर लिखता हूं तो मैंने सिर्फ देखने का नजरिया बदला है लेकिन वैल्यू नहीं बदली। अब पी क्यू साइन ए प्लस बी हम निकाल रहे हैं, पी क्यू अपॉन एस आर प्लस यू एस अपॉन एस आर। अगर आप ध्यान से देखें तो पी क्यू ये साइड जैसे है और एस आर जैसे ये साइड है, ये किसी एक ट्राइंगल की दो साइड्स नहीं है, दो अलग अलग ट्राइंगल की साइड्स है। उन दोनों ट्राइंगल में कॉमन देखते हैं तो आर पी क्यू में पी क्यू आता है और आर पी एस में एस आर आता है। आप ये भी देख सकते हैं कि आर पी क्यू में ए आ रहा है और आर पी एस में इंडिविजुअली बी आ रहा है। तो ऐसी साइड जो पी क्यू से भी कनेक्ट कर रही है, एस आर से भी कनेक्ट कर रही है, वो है आर पी। अगर मैं यहां पे थोड़ी सी स्मार्टनेस खेलूं और आर पी अपॉन आर पी से मल्टीप्लाई कर दूं तो होगा क्या, होगा ये कि मैंने ऐसी साइड दे दी जो इंडिविजुअली ए और इंडिविजुअली बी तक बनने वाले ट्राइंगल्स पे मुझे लेके जा रही है। यूएस ये है, यूएस अपॉन एस आर ये भी एक ट्राइंगल की दो साइड्स नहीं है। यूएस पी एस यू में आ रहा है और एस आर पी एस आर में आ रहा है। जो यूएस है वो इस ए के लिए बढ़िया है और जो पी एस आर आ रहा है ये बी के लिए बढ़िया है। तो अगर ऐसी इन ऐसी साइड देखें जो यूएस और एस आर दोनों को रिलेट कर रही है तो वो है एस पी। तो अगर मैं इसको एस पी अपन एस पी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जनरेट किया, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइन ए प्लस बी को ऐसे भी देख सकते हैं कि पी क्यू अपॉन आर पी इंटू आर पी अपॉन एस आर प्लस यू एस अपॉन एस पी इंटू एस पी अपॉन एस आर। पी क्यू अपॉन आर पी, पी क्यू अपॉन आर पी इस ट्राइंगल के लिए साइन ए है, आर पी
अपॉन आर एस इस ट्रायंगल के लिए कॉस बी है, क्योंकि बी के लिए ये बेस है आर पी। यूएस अपॉन एस पी एंगल ए के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो ये कॉस ए है। एस पी अपॉन एस आर इस ट्रायंगल के लिए पी अपॉन एच है, तो साइन बी है। जैसे कि हमने देखा साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है, इस तरीके से हम इसकी फॉर्मेशन देख सकते हैं और इवेंचुअली काफी बेनिफिट होगा आपको और चीजें थोड़ी सी आसान लगेंगी।